दोस्तों हम कॉन्ट्रा एंट्री पे, कॉन्ट्रा एंट्री को समझने के लिए समझना होगा कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होती है जो कैश और बैंक या बैंक टू बैंक, अगर कोई एंट्री कैश से बैंक में है, बैंक से कैश में है या बैंक से बैंक में है तो वो कॉन्ट्रा एंट्री कहलाएगी। एग्जाम्पल के लिए कैश डिपॉजिट इन टू बैंक, हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया 1500 रुपये, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, बाय बैंक टू कैश, पैसा कहाँ बढ़ रहा है, बैंक में बढ़ रहा है, कम कहाँ हो रहा है, कैश में, तो ये एंट्री बनी बाय बैंक टू कैश। अब दूसरी एंट्री अगर हम बनाते हैं कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक मतलब अपने पास कैश आया, कैसा पैसा कहाँ बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है, कम कहाँ हो रहा है, बैंक में कम हो रहा है, तो ये दूसरी एंट्री हो गई हमारी कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। अब ये दो एंट्री तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, अब तीसरी एंट्री कौन सी कॉन्ट्रा एंट्री होती है, अगर हम एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो भी कॉन्ट्रा एंट्री में ही आती है। जैसे मैंने एक मेरे एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करा, जैसे मैंने अपने ICICI बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करा और किस बैंक से किया, तो डेबिट वो बैंक होगा जिसमें बढ़ गया पैसा, क्रेडिट वो होगा जिसमें पैसा कम हुआ। तो दोस्तों ये हमारी एंट्री थी कॉन्ट्रा एंट्री। इस चैप्टर में हमारे पेमेंट रिसीव्ड जर्नल, कॉन्ट्रा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट कंप्लीट होते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करते रहिए दोस्तों, धन्यवाद। तो दोस्तों अब हम पेमेंट सेल्स रिसीव्ड, पेमेंट रिसीव्ड जर्नल कॉन्ट्रा के बाद अब आते हैं हम डेबिट नोट क्रेडिट नोट। डेबिट नोट क्रेडिट नोट और सप्लाई आउटवर्ड रिटर्न क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में क्या फ़र्क है। ये जो सप्लाई आउटवर्ड रिटर्न है, ये हमको किसी मटेरियल को अगर वापस रिटर्न करना है तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट काम में आते हैं। डेबिट नोट अगर किसी से वापस लेना है, क्रेडिट नोट रिटर्न करना है तो काम आते हैं। और ये जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट है, अगर किसी आइटम में हमारे प्राइस ज़्यादा लग के आ गई है गलती से, तो हम परचेज में अगर हमको कोई प्राइस ज़्यादा लग के आ गई है तो हमको डेबिट नोट बनाना पड़ेगा। समझने के लिए जैसे हम एक बिल बनाते हैं, पहले ये हमारी परचेज़ हुई। अब इस परचेज़ में 220 रुपये की जो प्राइस लगाई है, ये पार्टी ने गलत लगा दी, जबकि हमारी बात हुई थी कि आपको 200 रुपये की प्राइस से सामान भेजना है। तो पार्टी ने 220 रुपये के हिसाब से 22,000 का बिल बनाया, टैक्स मिला के ये होता है 25,960 रुपये, जबकि एक्चुअल में बिल 3600 रुपये का टैक्स बना के 23,600 का होना चाहिए। अब हमको डेबिट नोट कैसे बनाना है, डेबिट नोट इशूड अगेंस्ट सेल्स, अगर आपने किसी को माल बेचा है तो डेबिट नोट होगा, ऊपर यहाँ डेबिट नोट लिखा हुआ आएगा, लेकिन यहाँ आपको लेना है क्रेडिट नोट अगेंस्ट परचेज, आपने किसी से माल खरीदा है उसको आपको सप्लाई इनवर्ट देना है। पार्टी का नाम आ गया। अब आपको कितने रुपये का डेबिट नोट बनाना है, 2000 रुपये का आपका 20 × 100, 2000 रुपये, टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में कितने रुपये आएंगे, 2000 रुपये परचेज अकाउंट में आएंगे, 2360 रुपये जो हैं हमको रिटर्न करने हैं, यहाँ आएंगे 2000 रुपये। अब यहाँ आएगा CGST, और SGST 180, तो टोटल 2360 रुपये। तो ये हमारा डेबिट नोट बनेगा।
अब यहाँ हम एंटर करके इसको सेव करेंगे। सेव करते ही पूछेगा सेल्स परचेस रिटर्न, आप जो डेबिट नोट बना रहे हो किसके अगेंस्ट बना रहे हो, सेल्स एंड परचेस रिटर्न। उसके बाद ओरिजिनल बिल नंबर क्या था, 1 2 3 4 5 6, डेट 9/4, ये सब अपने आप आ गया। देखिए आप 9/4 HSN को यहाँ पे GST आपको डालना है, कितने परसेंट GST है। उसके बाद इनपुट गुड्स रजिस्टर्ड और सेव करना है आपको दोस्तों। ये ऑटोमेटिक GSTR2 में रिफ्लेक्ट होगा आपके, हम रिपोर्ट्स में जाएंगे GSTR2 में। ये दोस्तों यहाँ आ गया टोटल टैक्सेबल अमाउंट माइनस 180, क्योंकि हमने ये परचेज रिटर्न करा है तो हमको टैक्स वापस देना है, तो ये 180 हो गया दोस्तों। अब हम क्रेडिट नोट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम क्रेडिट नोट की। क्रेडिट नोट कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? जैसे किसी पार्टी को हमने ज़्यादा अमाउंट का बिल बना के दे दिया, माउस 100 पीस 220, ये आ गया 25,960, 1980 रुपये टैक्स आ गया, ये हमने सेव कर लिया। अब पार्टी से बात हुई थी 200 रुपये की, हमने उसको बिल बना दिया 220 का, अब हमको उसके अगेंस्ट क्रेडिट नोट बनाना पड़ेगा। अब आ गया यहाँ क्रेडिट नोट इशूड अगेंस्ट सेल, मतलब आपने सेल्स आउटवर्ड करा है उसके अगेंस्ट में आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। पार्टी है अर्श, अब कितने रुपए का एक्स्ट्रा बिल बना है, 20 × 100 2,000 2,300 टोटल टैक्स पेड 2,360 और 360 रुपये टैक्स, तो ये आ गया 2,360 रुपये। सेल्स अकाउंट में जाएंगे 2,300 रुपये, सेल्स अकाउंट में जाएंगे 2,000 रुपये, बाकी SGST 180 रुपये और CGST 180 रुपये। तो दोस्तों ये बनकर क्रेडिट नोट, अब सेव करके हम आगे बढ़ेंगे। अब ये पूछ रहा है कि आपने क्रेडिट नोट अगेंस्ट किसके बनाया, सेल्स एंड परचेज रिटर्न। अब ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, अब अगर आपको ओरिजिनल इनवॉइस नंबर ध्यान नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से पार्टी का डैशबोर्ड खोल सकते हैं, यहाँ पार्टी सेलेक्ट करनी है फिर पार्टी डैशबोर्ड खोलना है। तो दोस्तों ये पार्टी का डैशबोर्ड आ गया, उसके सारे बिल आ गए आज तक के, लास्ट बिल ये बनाया था हमने 66, इसको क्लिक करें शो फुल वाउचर, ये फुल वाउचर आ गया, और इसको वापस डबल क्लिक करेंगे तो ये दोस्तों अपना वाउचर खुल गया, ये HSN कोड आ गया, ये अमाउंट आ गया, ये टैक्स आ गया, सब कुछ आ गया यहाँ पर। तो आपको सिर्फ बिल नंबर चाहिए, ये दोस्तों सब आ गया, यहाँ टैक्स 18% रजिस्टर, और ये दोस्तों सेव हो गया। अब इसका रिफ्लेक्ट कहाँ पड़ेगा, GSTR1 में, तो हम GST रिपोर्ट्स में जाएंगे, रिटर्न्स GSTR1, दोस्तों ये आ गया आपका 2,360 टोटल इनवॉइस टैक्सेबल और 360 टोटल टैक्स GST CST। तो दोस्तों ये था हमारा क्रेडिट नोट।